जी हाँ, आज का मुद्दा में भी आज इसी बड़ी खबर को, इस बड़े मुद्दे को हम उठा रहे हैं। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक शख्स ने जूता फेंका है। खुद का नाम उसने वेद शर्मा बताया है। इस शख्स का यह कहना है कि ये आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। हालांकि इस पर संजय सिंह कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इस शख्स वेद शर्मा को, जिसने जूता फेंका था, उसे पुलिस अपने साथ ले जा रही है। और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि यह शख्स किस संगठन से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस शख्स का यह कहना है कि ये आम आदमी पार्टी सेना से जुड़ा हुआ है। वहीं अभी आप सुन रहे थे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को। उनका कहना है कि ऑड इवन की सफलता के बाद झुंझलाए हुए लोग, फ्रस्ट्रेटेड लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन इससे मिशन रुकेगा नहीं। एक बड़ा सवाल इस घटना से ये खड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसमें इन लोगों के पास, क्योंकि ये शख्स भी दावा कर रहा है कि इस ऑड इवन के मामले में या ऑड इवन स्कीम के दौरान घोटाले हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ स्टिकर्स हैं जो सीएनजी स्टिकर्स हैं वो आसानी से खरीदे जा सकते हैं बाजारों में मोटी कीमत देकर। इन लोगों के दावे हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का साफ रुख है कि ये सारी बातें आम आदमी पार्टी की इस कामयाब मुहिम को कमजोर करने की कोशिशें हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होगी। आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है अपनी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर लगातार बहस चलती रही है। पहला फेज ऑड इवन का कामयाब माना गया। ये कहा गया कि ऑड इवन फॉर्मूले को हाथों हाथ लिया गया, बहुत से लोगों ने ट्रैफिक में जो राहत मिली उसको स्वीकार किया और ये भी माना कि हाँ, इससे काफी फायदे हुए हैं। एक बार फिर ऑड इवन स्कीम को दिल्ली सरकार ने लागू करने का मन बनाया। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन पर यह जूता चलाया एक शख्स ने, जिसने अपना नाम वेद शर्मा बताया है। जूता फेंकने वाले इस शख्स को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और अपने साथ लेकर गई है। इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पार्टी का कहना है इस शख्स के को वो जानते नहीं है किस संगठन से जुड़ा हुआ है, इस पर जांच पड़ताल की जाएगी। जबकि ये शख्स खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी सेना का ही कार्यकर्ता हूं। हमारे सहयोगी रवि आपको सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर यह हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां से सीधी जानकारी देंगे। रवि, अभी हमने तस्वीरें देखी हैं कि वेद शर्मा इस शख्स को पुलिस लेकर जा रही है, कैसे हिरासत में ले लिया गया है, क्या पूछताछ इससे हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर जब इस शख्स ने जिसने अपना नाम बताया वेद प्रकाश शर्मा, और वो उसने खुद कहा है कि आम आदमी सेना का वो कार्यकर्ता है, सदस्य है, लेकिन जब यहां से उसको ले जाया गया तो यहां पर लोकल पुलिस, जो सचिवालय की सुरक्षा के लिए लोकल पुलिस होती है, सबसे पहले लोकल पुलिस का हैंडओवर किया गया, क्योंकि कुछ सीएम के ड्राइवर, सीएम के साथ में जो लोग काम करते हैं उन लोगों ने पहले पकड़ा और उसके बाद लोकल पुलिस को पकड़ा दिया, और इसके बाद फिर स्थानीय पुलिस को बुलाया गया फोन करके और अब उनको सुपुर्द किया गया है। लेकिन सबसे पहली बात यह कि इसने जो आरोप लगाया है, जो कई महीनों से आरोप लगते रहे हैं, आम आदमी सेना ने कई बार इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, जंतर मंतर पर, खुले तौर पर जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां पर एक सीडी भी दिखाई थी लोगों को कि किस तरीके से सीएनजी स्टिकर का घोटाला किया गया था, ये एक आरोप लगाया गया था। हालांकि उसकी उसकी सत्यता कुछ कितनी सही है कितनी गलत है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया था, थोड़ी ही देर बाद ही, 2-3 मिनट के बाद ही, इसने सबसे पहला जो सवाल किया कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आम आदमी सेना ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो सीडी आप वो दिखाने लगा, 2 सीडी उसके हाथ में थी, कि ये जो आप सीडी है इस पर आपका क्या कहना है, तो सीडी इस पहले उसने फेंका, लेकिन सीडी थोड़ी दूर पर ही गई, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उसने अपना जूता निकाला और सीएम की तरफ उसने उछाला, क्योंकि सीएम के ठीक सामने सीएम की कुर्सी वहीं पर थी, बीच में सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे थे, लेकिन उसके पहले ही तमाम फोटोग्राफर थे, तमाम ऐसे जो पत्रकार थे, क्योंकि उत्सुकता बस वो खड़े हो गए थे, और यही वजह है कि जूता वहां तक नहीं पहुंच पाया, नहीं तो वो जूता हो सकता है कि सीएम को भी लग सकता था, क्योंकि फोटोग्राफर जो है फोटो क्लिक करने लगे, वीडियोग्राफर वीडियो बनाने लगे, तो उसकी वजह से वो बीच में आ गए, लेकिन अब उसको पकड़ के ले जाया गया है। इस बीच में मुख्यमंत्री का यही कहना है, जो सीएम दफ्तर के लोगों का यह कहना है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी ज्यादा हताश है,
उनका कहना है कि जिस तरीके से ऑड इवन का फार्मूला पहली बार सफल हुआ था। हाँ रवि, अभी हमने गोपाल राय के रिएक्शन को भी सुना है, उनका कहना है ऑड इवन फार्मूले की सफलता से बौखलाए हुए ये लोग हैं। बड़ी अहम बात यह है कि इससे पहले भी एक स्याही हमला हो चुका है केजरीवाल पर, पहले भी हमले होते रहे हैं, उस समय भी ऑड इवन के मसले को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। भावना अरोड़ा की हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत कर रही थी। अभी इस शख्स ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या पुराने आरोपों की बात कर रहा है, कोई नया स्टिंग ऑपरेशन किया गया, क्या है? देखिए उसी पुराने आरोप की बात कर रहे हैं। मैं आता हूं रवि आपके पास, इससे पहले भावना अरोड़ा से अभी कुछ देर पहले हमारी जो बातचीत हुई है वो दर्शकों को एक बार फिर सुनवाते हैं। भावना अरोड़ा, वो महिला जिन्होंने स्याही फेंकी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भावना अरोड़ा, ये जो घटना हुई है कैसे आप देखती हैं? सीएनजी घोटाले की बात ये भी युवक कर रहा था, आप भी कर रही थी। जब मैंने इसे स्याही फेंकी थी तब मैंने सीएनजी घोटाले की कुछ सीढ़ी की थी, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ये कह के इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये मुद्दा केंद्र सरकार का है। जबकि आज की डेट में वो सारे सेंटर बंद हो गए हैं, केंद्र सरकार ने वो सारे सेंटर बंद कर दिए हैं जी। और आज जब यही स्टिकर इन्होंने जो सीएनजी के स्टिकर है ये 1,000 रुपए में ये स्टिकर बांट रहे हैं, 3 दिन से लगातार आम आदमी सेना ने इनका स्टिंग करा। 1,000 रुपए में एक स्टिकर ले जाओ, गाड़ी पर लगाओ, पेट्रोल की गाड़ी पर लगाओ, डीजल की गाड़ी पर लगाओ, स्कूटी पर लगाओ, ट्रक पर लगाओ, इन्होंने बोला हमें 1,000 रुपए से मतलब है, हमसे स्टिकर ले जाओ आप। भावना अरोड़ा, ये बताएं कौन है वो लोग जो 1,000 रुपए में सीएनजी का स्टिकर बेच रहे थे, कौन है लोग वो? सर आईजीएल का सीजीओ जो सीजीओ वो है, आईजीएल का जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में तो आईजीएल का सिंगल सेंटर है, इन्होंने वहाँ पे उसको ऑथराइज। ये आपका विरोध है, आप कुछ चीजों को उजागर करना चाहती है खामियों को, लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है, क्या इसे आप ठीक मानेंगी? सर आप बताइए, कल सुबह आम आदमी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक स्टिंग खोला था, अभी उसको आज 24 घंटे से ऊपर हो गया, इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उस स्टिंग के बारे में इन्होंने कुछ बोला कि हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं या हम सीएनजी की गाड़ियों को रोकेंगे, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हुए हैं, ऑड इवन की ये पैसा खाने में लगे हुए हैं। अरे इनको सोचना चाहिए, और इन्होंने पहले बोला था कि मुख्यमंत्री को अप्रोच नहीं किया, मीडिया को अप्रोच नहीं किया, कल से मीडिया में अखबारों में पूरी खबर आ गई है कि 1,000 रुपए में इन्होंने स्टिकर बेचा और उसका स्टिंग हो रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या कार्रवाई करी, कोई कार्रवाई हो रही है या अपनी ऑड इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज शाइफ है कि इनको शर्म आई, मैं जेल तक गई, इन्होंने बोला केंद्र सरकार का वो पहला मुद्दा था, इनसे पूछो इन्होंने उस पे क्या एक्शन लिया, अगर वो केंद्र सरकार का था तो उस पे क्या एक्शन लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। आम आदमी सेना ने वो सारे सेंटर बंद कराए हैं नागपुर जाके, और कल जो स्टिंग हुआ इनका उस स्टिंग पे इन्होंने क्या एक्शन लिया, कोई एक्शन लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऑड इवन की, अरे जो कल जो स्टिकर घोटाला निकला जिससे इन्होंने अपनी जेब भरी है, पूरे स्टिंग के अंदर वो आदमी बोल रहा है कि करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने खाए हैं ऊपर, तो क्या इनके पास कोई जवाब नहीं है जी? लेकिन ये जो सर जैसे इनके हालात है ना, इनको जूता पड़ना ही चाहिए। अब क्या हुआ, 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, इन्होंने कोई एक्शन लिया इस पे? इन्होंने जवाब देना जरूरी समझा कि जो 1,000 का स्टिंग है, अब ये बोलते हैं कि वो कर्मचारी पे कार्रवाई करेंगे। अरे कर्मचारी पे अब क्या कार्रवाई करोगे, 5 दिन बाद ऑड इवन आपका स्टार्ट होने वाला है और आप क्या कार्रवाई करोगे? अब तक तो करोड़ों रुपए आपकी जेब में जा चुका, अब तक आप क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता आज ये सेंटर में स्टिकर बट रहे हैं, खुले आम बट रहे हैं? आपको मैं स्टिंग देती हूँ, उस स्टिंग में मैंने कोई लालच उस कर्मचारी को नहीं दिया, 1 रुपए का लालच। उसने बोला 1,000 रुपए लगेंगे स्टिकर का, डीजल की गाड़ी पे लगाओ, ट्रक पर लगाओ, स्कूटर पे लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, स्टिकर लगा के गाड़ी का नंबर लिख लेना इस पे बस। अरे ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे काम करेंगे क्या? पूरे दिल्ली वालों को पूरे इन्होंने वो एडवर्टीजमेंट कर रखी है अपनी फोटो चिपका के। अरे आप देखो तो सही, आप घोटाला फिर से घोटाला कर रहे हो। भावना जी, जो स्टिंग आपने किया है, जो दावा आप कर रही हैं, क्या वो पूरी सीडी आपने इन तक पहुंचा दी, उसे इन्होंने देख लिया और उसके बाद किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ या कुछ उन्होंने रिएक्ट भी किया कार्रवाई के बारे में? कल सुबह 11 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सारी मीडिया को हमारी सीडी गई है जी, न्यूज पे चैनल्स पे चल भी रहा है कल से स्टिंग। आज न्यूज़पेपर देखो पूरा हेडलाइन आया हुआ है कि 1,000 रुपए में स्टिकर बट रहे हैं। आप देखो इनको
सेम टाइम पिछली बार भी मेरा मुद्दा यही था कि जब आपको मालूम चल गया था कि फर्जी स्टिकर सीएनजी के बट रहे हैं, तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ये जानकारी देनी चाहिए थी मीडिया के माध्यम से कि इस पे कार्रवाई करी जाए, नहीं तो सीएनजी की गाड़ियों को इनको रोक लगा देनी चाहिए। इस बार ये फिर फर्जी स्टिकर बेच रहे हैं, अरे इनको शर्म आनी चाहिए, मुंह काला करा के इनको चैन ही नहीं आया ना। अगर इतनी शर्म होती तो ये लोग इस बार जो इन्होंने एक सेंटर ऑथोराइज किया, पूरी दिल्ली सीजीओ कॉम्प्लेक्स जा रही है, चाहे कोई द्वारका रहता है चाहे कोई रोहिणी रहता है, सारे स्टिकर लेने सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाएंगे इतनी दूर। आप बताइए, उसके बाद भी आप वो फर्जी स्टिकर, आपसे एक सेंटर नहीं संभाला गया, आप दिल्ली के बाकी आईजीएल के सेंटर क्या संभालेंगे? और कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राजीव त्यागी साहब, ये घटना सामने आई है, अव्वल तो इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले भी इस घटना पे अपना रोष प्रकट कर चुका हूँ, रोष इसलिए कि प्रजातंत्र में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक लोग बाग इस तरह की चीजें जब करते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान आप आसमान से चांद तारे तोड़ करके लोगों की झोली में डालने की बात करते हैं और उसके बाद आप अपने वादे पूरे नहीं करते, तो लोगों में एक रोष उत्पन्न होता है और ये रोष बड़ा खतरनाक है, जिसको आक्रोश भी कह सकते हैं आप। ये आक्रोश में जनता नहीं जानी चाहिए, लोग बाग नहीं जाने चाहिए। लेटेस्ट जो ह्यूमन इंडेक्स का जो खुशी का वो पैमाना है, उसमें अगर आप देखेंगे तो शायद देश का नंबर 118वां है, तो ये चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि केजरीवाल जी अगर पार्टी विद डिफरेंस थे या पार्टी विद या ह्यूमन विद डिफरेंट पॉलिटिकल व्यवस्था के थे तो 525 करोड़ तो पिछले बजट में इन्होंने ऐड पे खर्च किया था अपनी फोटो लगाने के लिए। उस 525 करोड़ को अगर ऐड ना करके ये निश्चित रूप से लोगों की भलाई के लिए खर्च करते तो बेहतर था। इधर अब ये ऑड इवन चढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली में कहीं डीटीसी की बसों में बढ़ोतरी हुई, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली का बेहतर हुआ? राजीव जी माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हम इस सब पर बात करेंगे ऑड इवन के फॉर्मूले पर, लेकिन अभी ये जो घटना सामने आई है ये भी बताती है कि कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, खामियों को सामने लाना चाहते हैं। आप कांग्रेस की तरह, कांग्रेस का सफाया करने में आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई दिल्ली में, आप लोगों ने ऑड इवन की ये खामियां सामने लाने के लिए क्या किया? दूसरा, ये लोग जो इतने स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको सामने रखने में क्या आपने इनको मोटिवेट किया या आपने ये जानने की कोशिश की कि इसमें क्या सच्चाइयां हैं? प्रजातंत्र 125 करोड़ लोगों की वजह से चलेगा, प्रजातंत्र ना तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से चल सकता है, ना प्रजातंत्र किसी एक व्यक्ति की वजह से चल सकता है, और ये अधिनायकवाद होना भी नहीं चाहिए प्रजातंत्र में। मेरा कहना ये है, इसमें बहुत स्पष्ट कहना है, कांग्रेस पार्टी ने ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन की, माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से लोग बाग गाड़ी खरीद पाए, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिसकी वजह से लोग बाग लोन ले पाए। लोग, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रजातंत्र में आप बेहतर सुविधाएं देने के लिए जाने जाती हैं सरकारें, सुविधाएं छीनने के लिए नहीं। अच्छा, मैं आप देखिए, मेरा सवाल अभी आप समझ पाएंगे, और क्योंकि भावना अरोड़ा मेरे साथ मौजूद हैं, ये वही संस्था है आम आदमी सेना जिसने काफी विरोध किया था। भावना जी, अभी राजीव त्यागी भी मेरे साथ हैं, ये बताइए कि आपको क्या पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिला जब आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करे, या आप ऑड इवन की खामियों को जो सामने रखना चाह रहे हैं उसमें किन किन लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? सर देखिए, आम आदमी पार्टी जब भी इनका कोई स्टिंग पकड़ा जाता है या इनका कोई भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो ये बोलते हैं हम बीजेपी के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें शिवसेना सपोर्ट कर रही है, हमें ये सपोर्ट कर रहा है, हमें वो सपोर्ट कर रहा है। हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े। मैंने पिछली बार भी जो शाही कांड हुआ था उसमें भी इन्होंने बोला ये बीजेपी की लड़की है, इनको बादल सरकार ने हेलीकॉप्टर से भेजा है। देखिए, पिछली बार वाला जो स्टिंग था, जब मेरे को जेल भेज दिया गया, जो मैंने स्टिंग रखा था, उस स्टिंग में इन्होंने बोला कि घोटाला हुआ है। गोपाल राय जी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने बोला था सीएनजी का घोटाला तो हुआ है लेकिन ये केंद्र सरकार का है। आप बताइए, जब इनको मालूम चल गया था ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, आप इनसे पूछिए इन्होंने क्या कार्रवाई करी? दिल्ली में सेंटर है, वो सेंटर दिल्ली के देना, और अगर हमने दिल्ली का मुख्यमंत्री इनको बनाया है तो इनको देखना, इनको इसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, इन्होंने कोई कार्रवाई। अच्छा भावना, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहूंगा भावना। उसके बाद उसके बाद मैं दो बार नागपुर गई, नागपुर में मैंने इन सेंटर की कंप्लेंट करी, वहीं पर इन्होंने बोला था कि कंप्लेंट होगी, तो वहां पे मैंने कंप्लेंट करी, और ये सारे सेंटर, ये सारे पांचों के पांचों सेंटर देखिए बंद हो गए हैं। अगर वो स्टिंग झूठा होता,
अगर मैं गलत होती तो वो सेंटर केंद्र सरकार कभी बंद नहीं करती, वो 500 सेंटर बंद कर दिया, आप चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकती। ठीक है, और ठीक है, कल से एक स्ट्रिंग चल रहा है सीएनजी स्टिकर का, आप देखिए न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़पेपर में। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ भावना, कि क्या ये स्टिंग ऑपरेशन भी आप लोगों ने किया है और वेद प्रकाश, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट भावना, एक मिनट आराम से सवाल सुन लीजिए पहले, क्या वेद प्रकाश आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं और ये स्टिंग ऑपरेशन भी आप ही लोगों ने किया है? सर, ये स्टिंग वेद प्रकाश ने किया है और वो आम आदमी सेना करी है। अच्छा, तो वेद प्रकाश को क्या आप लोगों ने नियोजित तरीके से ये बोला था कि ये आपको घटना को अंजाम देना है, यानी आप आपकी पूरी संस्था? सर सुनिए, आप एक बार उसको देखिए, उसने क्या किया है, उसने जाके बोला है कि आप गलत कर रहे हैं, और तब जाके उसने, आप इसका सबसे बड़ा ये, यहाँ तक मुद्दा पहुँचता ही नहीं, और पिछली बार भी शाही खान भी नहीं पहुँचता, पिछली बार भी शाही खान के बारे में हमने यही बोला कि हम इतना इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको दिखा रहे हैं ये मिलना नहीं चाहते, इन्होंने बाहर भगा दिया, मुझे धक्के मार दिए, इन्होंने बोला हम कोई सिंह नहीं देखेंगे। कल से एक सिंह मीडिया में चल रहा है, लगातार चल रहा है एक सिंह, आम आदमी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सुबह 11 बजे की, कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज देखिए 4 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, इन्होंने इस बीच में 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, इन्होंने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक है, क्या सीएनजी का घोटाला नहीं कर रहे? वो तो आप लोग आमने सामने हैं, अभी 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 मैं भावना आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं वेद प्रकाश की, ये वेद प्रकाश के बारे में जानना चाहेंगे, जैसा हम एक बार दर्शकों को बता दें, भावना अरोड़ा ये कह रही हैं इन्हीं की संस्था के हैं, आम आदमी सेना के हैं, और ये स्टिंग ऑपरेशन भी उन्होंने किया था। भावना, ये वेद प्रकाश के बारे में जरा जानकारी दें, क्या ये भी केजरीवाल के कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे जुड़े रहे हैं, किस तरह की नाराजगी इनके मन में थी? सर सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कल सुबह 11 बजे से एक स्टिंग चल रहा है जो वेद प्रकाश ने किया है, उसके अंदर 1,000 रुपए के स्टिकर बट रहे हैं, जबकि 3 दिन में 10,000 रुपए के स्टिकर खरीदे हैं हमने, 10,000 रुपए के 10 स्टिकर खरीदे हैं, और वो कर्मचारी बोलता है, आप देखिए आईजीएम सेंटर पे हम जाते हैं और वहाँ पे एक कर्मचारी इनका गैस भर रहा है, और गैस भरने के बाद हमने उसको बोला कि हमें सीएनजी स्टिकर चाहिए, पर हमारे पास सीएनजी गाड़ी नहीं है, हमारा टूर एंड ट्रेवल का काम है और हमारे पास सीएनजी गाड़ी नहीं है, हमारे पेट्रोल की गाड़ी पे हमें स्टिकर लगवाना। उसने कहा मुझे 1,000 रुपए दे दो पर स्टिकर और मैं आपको स्टिकर दे देता हूँ। पहले दिन उसने मुझे 3 स्टिकर दिए, दूसरे दिन भी 3 स्टिकर दिए, और जो 7 तारीख का लास्टिंग है उसके अंदर उसने मुझे 4 स्टिकर दिया और 4,000 रुपए वो ले रहे हैं। आप बताइए, 20 लाख व्हीकल है सीएनजी दिल्ली के अंदर, 1,000 भावना अरोड़ा अभी जानकारी दे रही थी, आप ये तस्वीर देख रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा की, ये भी आम आदमी सेना से जुड़े हुए हैं। भावना अरोड़ा, जिन्होंने स्याही फेंकी थी अरविंद केजरीवाल पर, वो भी आम आदमी सेना की हैं। हम आपको सुनवाते हैं वेद प्रकाश ने क्या कहा जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद। इश, हम आपको एक बार फिर सुनवा रहे हैं क्या कहा वेद प्रकाश ने। अब आप सुन रहे थे उस शख्स को जिसने जूता फेंका, ये चप्पल फेंकी है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उसका कहना था कि करोड़ों का घोटाला हो रहा है, स्टिकर्स के नाम पर ये घोटाला हो रहा है, स्टिंग ऑपरेशन किया है, आप क्या कर रहे हैं, मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है और मैं आम आदमी सेना से जुड़ा हुआ हूं। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा इस पूरी घटना पर, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। ये है कि पिछली बार भी ऑड इवन की सफलता से कुछ लोग बौखलाए थे और अब दोबारा ऑड इवन होने जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेटेड लोग कुछ डिरेल काम करते रहते हैं। जहां तक सीडी की बात है, कल ही हमारे संज्ञान में आया था और कल ही जिस शख्स ने किया उसके खिलाफ FIR का ऑर्डर हो चुका है, उसको हटाया जा चुका है। तो मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेटेड लोग असफल कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दिस इज कंडमनेबल एक्शन फ्रॉम एनीबडी साइड इट इज हैपनिंग, बट द फैक्ट इज दैट द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द आम आदमी पार्टी इज कमिंग आउट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम दिस इज हैपनिंग।
This is not done by any other party who are opposing Kejriwal's party. This is because of the authoritarian style of functioning of Mr. Kejriwal. के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी जी मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आप भावना अरोड़ा को भी सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि आम आदमी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, पहले कभी ये जुड़े भी रहे केजरीवाल से और स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा सवाल आपसे वही है कि ये आप लोगों के पास भी एक बड़ा मुद्दा है कि आप ऐसे कार्यकर्ताओं के की जो बातें सामने ला रहे हैं, खामियां सामने ला रहे हैं, उसको जरा ताकत दें। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात सही है, लेकिन फिर बाद में आरोप ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी सरकारों को डिस्टेबलाइज कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि दावा में काम नहीं करने दे रहे, जबकि केजरीवाल जी के और मोदी जी के किसी ने हाथ नहीं मान रखे हैं काम करने के लिए। सारे संवैधानिक व्यवस्थाएं उनके पास है, काम करें, लोगों को डिलीवर करके दें। मैं आपको एक बात बहुत बेहतर कहना चाहूंगा प्रवीण जी, क्योंकि आप भी सदैव लिखते रहते हैं, मैं आपके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता रहता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं कि वादे करके पूरे नहीं करते। अभी एक उदाहरण मैं दूंगा कि किंगफिशर के मालिक भाग गए, एक महिला ने रेलवे का जुर्माना देने से मना कर दिया। तो हम लोगों को पॉलिटिकल लोगों को देखना चाहिए कि समाज किस तरफ जा रहा है। तो ऐसी चीजें फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले आ रही हैं लोगों को, जो चिंता का विषय है। आम आदमी सेना जो है वो भारतीय इनकी आम आदमी पार्टी की विंग रही है, उन्हीं के साथ ये के निकले हुए लोग बाग हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि अच्छे लोग बाग किसी भी दल में हो, उन सबको एक होना चाहिए। दो अच्छे लोग बाग गए थे, एक का नाम प्रशांत भूषण है, क्या ये लोग ये अपने इस तरीके से, राजीव जी अपने इस तरीके को अपनाकर, चाहे भावना अरोड़ा का पहले का तरीका हो या आज ये वेद शर्मा का ये वाला तरीका हो, क्या ये अपनी बात रखने में या लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए इस तरीके से? नहीं नहीं, ये तरीका कभी भी प्रजातंत्र में नहीं हो सकता है, नहीं तो हम एनार्की की तरफ चले जाएंगे। हमें और उनमें डिफरेंस दिखना चाहिए। चलिए, आप बने रहे मेरे साथ राजीव जी, मेरे साथ राघव चड्ढा भी जुड़ रहे हैं। राघव, सबसे पहले इस घटना पर अभी कई रिएक्शन हम सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये इन लोगों का कहना है कि गुस्सा है, स्टिंग ऑपरेशन कर रखा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। देखिए, इसमें इन प्रकार की चीजों का भारत के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट है, लंपन एलिमेंट है, और इस प्रकार के कई हथकंडे हमारे विरोधियों ने अपनाए हैं। इस प्रकार के अटैक कराकर, सुर्खियां बटोर कर और हमें बदनाम करने के प्रयास करे गए हैं। जहां तक इन स्टिंग ऑपरेशन और फलाना चीजों की बात है, इस देश के अंदर कई प्रकार की एजेंसीज हैं, लोकायुक्ता हैं, लोकपाल हैं, जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई हैं। किसी भी प्रकार का किसी को लगता है कोई आवाज उठानी चाहिए, उन जो एजेंसीज है तमाम एजेंसीज का दरवाजा खटखटाना चाहिए, परंतु एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनको 70 में से 67 सीट दिल्ली की जनता ने दी, उनके खिलाफ अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो ये वास्तव में देश के लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। और हम ये चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसको तो सभी राघव सभी कंडेम कर रहे हैं, इस तरह की हरकत को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑड इवन में घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए? देखिए, आज मुद्दा ये है, कोई भी भ्रष्टाचार की जहां तक बात आती है, हमने अपने एक मंत्री को, हमारे कैबिनेट के मंत्री को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को खुद सबूत प्राप्त हुए। तो जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, ये सरकार एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी से बनी गई सरकार है। तो इनकी सीडी को और स्टिंग को एडमिट कर रहे हैं आप, मतलब उसकी जांच करेंगे? जहां तक ये शोर शराबा जो मचा रहे हैं, इस मैंने जैसे कहा, दिल्ली सरकार में भी, भारत सरकार में भी कई प्रकार की जांच एजेंसियां हैं, उनके दरवाजे अवश्य खटखटाने चाहिए, परंतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री इस देश के सर्वप्रिय मुख्यमंत्रियों और नेताओं में आने वाले व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से जूता फेंककर यदि कोई अपना राघव ये गलत हरकत है, ये गलत हरकत है, इसको सभी कंडेम कर रहे हैं। राघव, मेरा सवाल ये लोकतंत्र का काला दिन है, ये इसको सभी कंडेम कर रहे हैं, इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। राघव, इनके पास जो सीडी है, जो स्टिंग ऑपरेशन है, क्या उसकी जांच होनी चाहिए और दिल्ली सरकार क्या इसको लेकर कोई बात कहना चाहेगी? देखिए, पिछली बारी भी जब आपको याद होगा इंक अटैक हुआ था, भावना अरोड़ा जी का नाम आपने खुद ही लिया, उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इनके पास जो भी कागज हैं, जो भी ये देना चाहती हैं, वो ले लीजिए, इस पे अवश्य इसको देखा जाएगा इसके अंदर क्या है। परंतु जैसा कि मैंने कहा, इस प्रकार से अपनी आवाज उठाने के लिए कई प्रकार की एजेंसियां हैं, प्रोटोकॉल हैं, प्रोसीजर है, परंतु एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जूता फेंककर ये जो कार्य करा गया है, इसका तो
केवल एक स्वर में निंदा ही करी जा सकती है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखाता है और ये दिखाता है कि हमारे विरोधियों को केवल और केवल इस प्रकार की चीजें ही सूझती हैं। हमसे राजनीतिक तौर पे लड़े, हमसे हमारे काम को लेकर सवाल उठाएं, परंतु जूता फेंक कर इस प्रकार से हरकत करना ये उनका धर्म इसको, इसको सभी कंडेम कर रहे हैं, इसको सभी कंडेम कर रहे हैं। हरीश खुराना साहब भी मेरे साथ मौजूद है। खुराना साहब, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? इसको कांग्रेस कंडेम कर रही है, कई और नेता भी कंडेम कर चुके हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, दो चीजें इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हिंसा और ऐसे कार्यों की तीव्र निंदा करती है, पहली बात। लेकिन अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के वक्ता की बात सुन रहा था कि ये काला दिन है और ये दिन है। इनको ये भूल जाते हैं जब ये बात करते हैं कि किसी ऐसी घटनाओं को पुरस्कृत करना या महिमा मंडित करने का काम तो ये आम आदमी पार्टी के लोग ही करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आज जो एक विधायक है रजौरी गार्डन से और जिनको इन्होंने लोकसभा का टिकट दिया था, ये वही विधायक है जिन्होंने पी चिदम्बरम को जूता फेंका था। तो यानी कि परिपाटी शुरू करने वाले तो ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। तो आज अगर काला दिन बोल रहे हैं कि तो की सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत किसने करी, पहली बात। दूसरी बात, जिस मुद्दे के ऊपर उन्होंने ये जूता फेंका राघव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था। एक मिनट हरीश जी, राघव आपके इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जर्नल सिंह वाला आपने जो सवाल उठाया है महत्वपूर्ण। हाँ राघव, क्या कहना चाहिए? देखिए, हर बारी यही संगठन आम आदमी सेना, जिनके प्रायोजक कौन है, कौन व्यक्ति इनको आर्थिक और अन्य प्रकार से मदद करते हैं, ये तमाम पत्रकार और आप सब जानते हैं। ये लोग हमेशा इन्हीं को सामने कर अटैक करा जाता है मुख्यमंत्री जी पर और इसी प्रकार के सवाल खड़े कराए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आज तमाम राजनीतिक दलों को या हर ऐसा व्यक्ति जिस जो राइट माइंडेड व्यक्ति है, जो सोशल व्यक्ति है, जो एंटी सोशल और लंपन नहीं है, उसको एक स्वर में इसकी निंदा करनी चाहिए। और जहां तक ये जरनैल सिंह जी की बात कर रहे हैं, जरनैल सिंह जी के पूरे परिवार को 1984 के दंगे में जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था उसमें घायल कर दिया गया, उन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया और उन्होंने केवल विरोध दर्ज कराने के लिए किया और बाद में उसके लिए माफी भी मांगी। तो जहां तक उस घटना को इस घटना से कंपेयर करने की बात है वो ठीक नहीं है। और किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा का एक स्वर में हम निंदा करते हैं। आप जो बात कर रहे हो, काला दिन की जो बात कर रहे हो, उसके ऊपर कह रहा हूँ शुरुआत करने वाले तो आप लोग हैं। जी, हरीश जी, पूछना चाहूंगा आप, हरीश जी आपको भी इसकी निंदा करनी चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल से आते हैं। उन्होंने निंदा तो करी है, आपको उन्होंने निंदा पहले ही करी राघव, लेकिन वो दूसरे मसले पर भी गए कि इसकी वजह क्या है। राजीव त्यागी भी इस वक्त है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं। जी राजीव जी, राघव जी से मेरा एक मूल प्रश्न है कि आपने राजनीति में शुद्धता की बात की थी और बेहतर राजनीति करने की बात की थी। पहले एक प्रश्न मेरा ये है कि 8 टिकट आपने बीजेपी के लोगों को दिए 70 में से और 7 टिकट कांग्रेस के लोगों को दिए, उसमें से एक व्यक्ति पर लोकायुक्त में शिकायत चली गई है, वो राशन माफिया है, आप कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक भ्रष्टाचार आपका ये है कि आप अपने एड देने पे लोगों की हार्ड एंड मनी को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुख की बात है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, राघव जी डिलीवर करिए लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। ठीक है, हमें जाना है तो ठीक है, जवाब सुन लेते। आपने एक बात, हमें जाना है, हम बस एक छोटा सा जवाब दे देते हैं। देखिए, ये आज ये सारे जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, इन सारे मुद्दों का मैं एक राजनीतिक जवाब भी दे सकता हूं और आपको लॉजिकल जवाब भी दे सकता हूं, आपको टेक्निकल जवाब भी दे सकता हूं। परंतु आज के दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी, चाहे ये आम आदमी सेना आप में से कोई व्यक्ति ही क्यों ना चला रहा हो, कम से कम अपने राजनीतिक दल की इज्जत के लिए तो आपको न्यूज चैनल पर आकर इसका खंडन करना चाहिए। राघव बुराई करनी, राघव चड्ढा क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आम आदमी सेना है इसको बीजेपी या कांग्रेस चला रही है, या इनमें से कौन चला रहा है? मैं केवल इतना कहूंगा कि आपके IBN 7 के जो रिपोर्टर आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, बीजेपी कांग्रेस को या दिल्ली की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको कवर करते हैं, केवल उनको लाइन पे लेकर ये पूछ लीजिए कि आम आदमी सेना कौन सा राजनीतिक दल चलाता है, कौन सा व्यक्ति चलाता है, वो ही आपको इसका जवाब दे देंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं उनसे जरूर पूछ लूंगा, मैं जरूर पूछूंगा। राघव आप अपनी जानकारी बताएं, मैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की जानकारी क्या कहती है। अधिकृत तौर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, इसके पीछे कौन लोग हैं उनका पर्दा राघव से बात पूछ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, मुझे एक बात बताइए, जब से आप राजनीति के अंदर आए हैं
दो साल पहले, ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ ही क्यों हो रही हैं? कई बार जूता फेंका जाता है राघव, राघव मेरे मुझे लगता है राघव अब है नहीं लाइन पर, कई बार आपके ऊपर कई लोग आपके ऊपर थप्पड़ मार देते हैं, तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है? क्या उससे पहले राजनीति नहीं होती थी? क्या उससे पहले भी भाजपा और कांग्रेस और बाकी लोग भी राजनीति करते थे? इस तरह की घटना कभी नहीं हुई पहले जी? जी राजीव जी, लोग तो है जो आपसे नाराज है, प्रवीण जी उम्मीदें थी जिसको ठीक है जो आपसे नाराज है, ठीक है हरीश जी वो है नहीं राघव अभी है नहीं, आपको हो सकता है सुन रहे होंगे आपको अभी टेलीविजन पर, लेकिन वो आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। राजीव जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए प्रवीण जी बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरफ समाज जा रहा है, जिस तरफ देश के नौजवान जा रहे हैं आक्रोश में और गुस्से में, इस पर पॉलिटिकल पार्टी से चिंता करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, रोज रोज की घटनाओं में हम लोग बाग एक दूसरे को मार देते हैं। जरा से बच्चे, मैं कल का एक उदाहरण देता हूँ कि इंदिरापुरम हमारा एक जगह है, वहाँ 15-16 साल के एक बच्चे ने 9 साल की बच्ची के सिर पे बैट मार दिया, सिर फोड़ दिया उसका, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें हो रही है, ये आक्रोश की तरफ जो हिंदुस्तान के नौजवान जा रहे हैं, तो मेरी मोदी जी से अपील है कि वो रोजगार दे लोगों को, केजरीवाल जी से अपील है कि बेहतर दिल्ली का निर्माण करें, जगह जगह कूड़े के ढेर हमने देखे, जगह जगह हमने देखा एमसीडी की स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग बाग परेशान है, एटीसी की व्यवस्था ठीक से हो नहीं पा रही। आज ही न्यूज़पेपर में स्टोरी है कि करीब करीब 40% ब्रेक डाउन है इस बार टीटीसी की बसेस में, इस स्कॉर्पियो में, तो ऐसी व्यवस्था में ऑड इवन कैसे चल पाएगा? तो ये जो चीजें हैं चीफ मिनिस्टर महोदय को देखनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिले। अच्छा, दिल्ली के आसपास एनसीआर का जो एरिया है वो लोग दिल्ली आते हैं, उनको भी सुविधाएं चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि राजीव जी अभी इन सब चीजों पर तो हमारा डिस्कशन होगा, और आप जो इश्यूज उठा रहे हैं ये महत्वपूर्ण बातें भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा जो फोकस चल रहा है हरीश जी वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आपने भी सुनी होगी, राघव का ये आरोप है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी पुरजोर पहले भी लगाती रही है, आगे और बड़े तरीके से इस आरोप को लगाया जाएगा राजीव जी हरीश जी की, कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि दोनों ही कह रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि आप दोनों में से कौन इनके पीछे है, लेकिन आम आदमी सेना को कोई एक सपोर्ट कर रहा है आप में से। तो खुराना साहब, मैंने अभी राजीव त्यागी जी से ये बात पूछ रहा था कि क्या ये जो वॉलेंटियर्स, ये जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये खुलासे आप लोगों को नहीं करने चाहिए थे कि किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं? देखिए मैं सबसे पहले जो राघव ने बात करी, ये कोई पहली बार ये लोग नहीं कर रहे कि आरोप लगाया और भाग गए। अब अगर उन्होंने आरोप लगाया तो सुनने की हिम्मत भी रखे ना। आप मुझे बात बताइए कि दो चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दो साल ढाई साल जब से राजनीति में आया है, ये सब कुछ इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये राघव जी हमें बताए ना, भाजपा के लोग भी राजनीति करते हुए 30 साल से राजनीति करते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस भी 60 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, ऐसी घटनाएं तो पहले हमने कभी नहीं सुनी। तो ये आम आदमी पार्टी के सेना के लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो इन्हीं के लोग तो हैं जो 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 इनसे नाराज हैं, जो इनकी व्यवस्था से, इनके जो प्रोमिसेस थे उनसे नाराज हैं, और कहीं ना कहीं अपना रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो ये जवाब तो आम आदमी पार्टी के लोगों को देना चाहिए ना, ये आम आदमी पार्टी के लोग देंगे ना कि इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाए? मेरा प्रश्न वैसा का वैसा बना हुआ है ये राजीव जी, चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर स्पष्ट जवाब दें, क्योंकि आप जिम्मेदार दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोग बड़ी उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोगों तक कोई इशू जाएगा। तो क्या आप लोग ये ऑड इवन के फॉर्मूले, ऑड इवन के स्टिकर्स में जो घोटाला हो रहा है, आपको लगता है त्यागी साहब इसको मुद्दा आपको भी उठाना चाहिए अगर ये इतना बड़ा घोटाला है या इतनी बड़ी कोई घटना चल रही है दिल्ली में? तो जिस पार्टी का जन्म ही ऐसा, वो कहते हैं कि लोकायुक्त के लिए हुआ है, और दिल्ली में लोकायुक्त का क्या हाल है सबको पता है। जिस पार्टी, जो पार्टी ये दावा करती है अच्छे लोगों के साथ आना चाहिए, प्रशांत भूषण जी के साथ और योगेंद्र यादव जी के साथ उस पार्टी ने क्या किया ये लोगों को पता है। क्या दिल्ली बेहतर हुई? क्या दिल्ली का चेहरा बेहतर हुआ या बदरंग हुआ? ये लोग बात धीरे धीरे देखेंगे। सब्सिडाइज करके चीजों को दे देना, ये कांग्रेस पार्टी भी करती है, बीजेपी भी करती है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आपने कोई नई मैजिक बैंड से चीजें तो बदल नहीं रही हैं। मेरा कहना यह है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। मेरा सिर्फ स्पष्ट ये कहना है कि आप विज्ञापन ना करके, जो आप चेहरे अपने चमका रहे हैं विज्ञापन के द्वारा, लोगों की आमदनी को खर्च कर रहे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे को खर्च कर रहे हैं, उससे बाहर निकल के दिल्ली की सड़कों पे बेहतर जीवन दीजिए लोगों को, तभी आपको एक अच्छा चीफ मिनिस्टर माना जाएगा। जो वादे आपने किए वो पूरे करिए। कि आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, कल ही सभी समाचार पत्रों में दो दो पेज के ऐड थे साहब, तो दो दो पेज के ऐड देने के लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं,
ठीक है कि मीडिया पे आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वोट तो जनता ही देगी साहब, वोट जनता ही देगी, इसके अलावा कोई वोट नहीं देता। चलिए हम एक बार फिर जरा दर्शकों को, आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर दर्शकों को इस पूरी घटना के बारे में बता देते हैं। आज की बड़ी अहम घटना और ये अहम तस्वीरें हैं जो कुछ देर पहले की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी बीच अचानक एक शख्स ने उनकी ओर चप्पल उछाली जो उन्हें लगते लगते बची। और यहां पर देख रहे हैं आप कि किस तरह से तमाम पत्रकार और फोटोग्राफर्स इस शख्स की तरफ मुड़ जाते हैं। हम आपको बता दें, इस शख्स का नाम है वेद प्रकाश शर्मा। जैसा अभी भावना अरोड़ा ने ये बात कही है कि ये आम आदमी सेना से ही जुड़े हुए हैं। भावना अरोड़ा वही जिन्होंने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। मेरे सहयोगी अभिषेक अभी उस थाने में मौजूद हैं जहां पर वेद शर्मा को ले जाया गया है। अभिषेक, यहां पर क्या किस कौन कौन लोग मौजूद हैं, कब लेकर आया गया वेद शर्मा को और किस तरह की पूछताछ हो रही है, क्या जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, वेद शर्मा को यहीं पर लाया गया आईपी चौक थाने में और यहां पर डीसीपी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद और पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी या सचिवालय से कोई कंप्लेन अभी ऐसा कुछ आया नहीं है इनके खिलाफ, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कि वेद प्रकाश शर्मा ये वही हैं जो जब छत्रसाल में जब ऑड इवेंट के सफलता पे सभा किया जाता उस समय भी ये भावना अरोड़ा के साथ ये सिलाई फेंकने में मौजूद थे। दूसरी तरफ आम आदमी सेना ने कल ही एक स्टिंग ऑपरेशन भी जारी किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे एक साउथ के एक पेट्रोल सीएनजी पंप पे 10,000 में 10 स्टिकर उन्होंने खरीदे थे। हालांकि वेद प्रकाश उसी का प्रोटेस्ट करने वहाँ पहुंचा था, विरोध जताने पहुंचा था, इसी दौरान उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अभी वेद प्रकाश को थाने में रखा गया है और यहाँ पर उससे कड़ी पूछताछ किया जिसमें डीसीपी भी मौजूद है, इसके अलावा तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, पूछताछ कर रही है कि उनकी मंशा क्या थी। इससे पहले भी जब भावना को पुलिस ने हिरासत 14 दिन की भेजा था तो कोर्ट ने टिप्पणी की थी उनके ऊपर कि आपने ये जानबूझकर पब्लिसिटी लेने के लिए किया जा रहा। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल अभी वेद प्रकाश से यही अंदर डीसीपी खुद पूछताछ कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके कहने पे बार बार आम आदमी सेना इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। जी हाँ, अभिषेक अभी इस वक्त आईपी एक्सटेंशन थाने पर मौजूद हैं जहां पर वेद प्रकाश शर्मा को लाया गया है। और एक राजीव जी, जो बहुत एक आरोप की तरह है जो आम आदमी पार्टी अब लगा रही है कि कांग्रेस या बीजेपी में से कोई सपोर्ट कर रहा है इस आम आदमी सेना को, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? वैसे आपसे जब मैंने पिछली बार सवाल किया था तो आपने यही कहा था कि जैसे ही हम लोग सपोर्ट करने की बात कहते हैं या जांच पड़ताल करते हैं तो ये आरोप लगने लगता है कि हमारे द्वारा प्रायोजित है। देखिए, कांग्रेस 1885 से कांग्रेस पार्टी चल रही है, सबसे पुरातन पार्टी है देश की, तो जब ही चल पाई जब कुछ सिद्धांत रखे होंगे, कुछ बेहतर चीजें रखी होंगी, कुछ बेहतर जीवन शैली रही होगी। मेरा ये कहना है कि राजनीति में स्टिंग कराना, किसी से विश्वासघात करना, ये मुझे तो उपयुक्त लगता नहीं है साहब। और स्टिंग के पिता में केजरीवाल जी हैं, अब उनके विरुद्ध स्टिंग हो रहे हैं तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? तो ऐसे स्टिंग की जांच पड़ताल कराएं, आम आदमी सेना को संतुष्ट करें। कांग्रेस पार्टी का आम आदमी सेना से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस तरह की घटनाओं का कहीं भी प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव हार जाते हैं उसको स्वीकार करिए, जीत जाते तो इठलाइए मत। दिक्कत ये है कि मोदी जी और अपने केजरीवाल जी अपनी जीत पे इतना इठला रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी पर फिर डिस्कशन होगा राजीव जी, अभी तो बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। बहरहाल इस पूरे मामले पर, केजरीवाल पर जो चप्पल फेंकी गई है उस पूरे मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम आपको सुनवाते हैं। ये है कि पिछली बार भी ऑड इवन की सफलता से कुछ लोग अप्लाई थे और आप दोबारा ऑड इवन होने जा रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड लोग कुछ डिरेल काम करते रहते हैं। जहां तक सीडी की बात है, कल ही हमारे संज्ञान में आया था और कल ही जिस शख्स ने किया उसके खिलाफ FIR का ऑर्डर हो चुका है, उसको हटाया जा चुका है। तो मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेटेड लोग असफल कोशिश करते रहते हैं भाई। ये चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि इस प्रकार के हरकत बढ़ते जा रहे हैं। ये सही है कि हमारे राजनीतिक विरोध रहता है और आम आदमी के साथ तो खुलकर विरोध है, लेकिन पद जो है मुख्यमंत्री का उस पर व्यक्ति आएगा जाएगा वो पद की गरिमा एक है और वैसे एक प्रधानमंत्री पद है उसकी गरिमा है, मंत्रियों की गरिमा है। तो यदि इसमें इस प्रकार के हरकत जो है होते जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीमा सबको खींचनी पड़ेगी। दिस इज कंडेमनेबल एक्शन फ्रॉम एनीबडी साइड इट इज हैपनिंग, बट द फैक्ट इज दैट
the internal problem of the Aam Aadmi Party is coming out. This is not the first time. Second time this is happening. This is not done by any other party who are opposing Kejriwal's party. This is because of the authoritarian style of functioning of Mr. Kejriwal. तो बहुत निंदनीय है, बहुत बुरा है। ये सार्वजनिक जीवन में किसी से कोई भी मतभेद हो, लेकिन इस तरह का व्यवहार ये तो अक्षम्य होना चाहिए। एक सुर में सब निंदा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि जो सीडी रखी गई है सामने या जो स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑड इवन के मामले में सीएनजी स्टिकर्स को लेकर एक बड़ा घोटाला हो रहा है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इस पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। हालांकि केजरीवाल पर जूता फेंके जाने की कड़ी निंदा सभी पार्टियां एक सुर में कर रही हैं। जी हां, आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप की, जो एक शख्स ने लगाया और इस आरोप को लगाने के लिए उसने चप्पल फेंकी। चप्पल फेंके जाने की निंदा सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा से भी बात की, उनसे लगातार ये प्रश्न किया गया कि क्या इस सीडी की जांच वो करवाएंगे जिसे दिखाने के लिए ये शख्स यहां पर इस तरह का प्रदर्शन कर रहा था, जिसकी कड़ी निंदा की जा रही है। इस पर उन्होंने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि आम आदमी सेना नाम के इस संगठन को आखिर कौन प्रायोजित कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ वो इशारा कर रहे थे, खुलकर कुछ नहीं बोले। इस बीच भावना अरोड़ा ने वेद प्रकाश शर्मा, ये जो शख्स जिसने चप्पल फेंकी है अरविंद केजरीवाल की तरफ, उसके बारे में जानकारी देते हुए बता रही थी कि वो लगातार सीएनजी स्टिकर के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था, आम आदमी सेना से ही जुड़ा हुआ है। भावना अरोड़ा वही हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी थी। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑड इवन के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, कुछ जानकारियां दे रहे थे, इस बीच इस शख्स ने खड़े होकर अपनी बात कहना शुरू किया और जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार उसकी तरफ देखा भी और उसने फौरन अपनी चप्पल निकाली और अरविंद केजरीवाल की तरफ फेंक दी। इसके बाद ये शख्स जोर जोर से बोलता हुआ भी दिखाई दिया, उसे यहां पर कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, थप्पड़ भी उसे लगाए गए। तो ये तीन तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई उसके बाद जिस वक्त चप्पल चलाई गई और फिर उसके बाद इस शख्स को पकड़कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के लिए पुलिस ले गई है थाने में। ये पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पर इस तरह से हमला किया गया है। हम आपको ये तीन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिनमें से दो तस्वीरें पुरानी हैं। पहले थप्पड़ कांड हुआ था चुनाव प्रचार के दौरान, एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के गले में माला डाली और उसके बाद उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद भावना अरोड़ा, जिनसे कुछ देर पहले अभी हम बात कर रहे थे, उनका स्याही कांड भी सामने आया था। वो भी इसी आम आदमी सेना से जुड़ी हुई हैं और उनका भी आरोप था कि आम आदमी पार्टी सरकार और ऑड इवन में खास तौर पर कई भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिनका खुलासा करने की जरूरत है और उन्होंने कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए थे जिस पर गौर नहीं किया गया। और आज की यह घटना जहां वेद प्रकाश ने चप्पल फेंकी है अरविंद केजरीवाल पर, लगातार इस बड़ी खबर का पल पल का अपडेट IBN 7 पर आपको मिलता रहेगा। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।